सो ही गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका और एक गेमिंग न्यूज के फ्रेश एपिसोड में, जहाँ पे मैंने आपके लिए लाई है बहुत ही कमाल की गेमिंग न्यूज। तो यह है पार्ट 103, सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करें फ्री गेम्स की जो कि निकल कर आते हैं एक्सबॉक्स की तरफ से। तो अगर आपके पास एक्सबॉक्स की गोल्ड मेंबरशिप होगी तो आपको हर महीने कुछ फ्री में गेम्स देखने को मिलते हैं। तो अगस्त मंथ में हमें टोटल 4 गेम्स फ्री में देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है कैलियो, सेकंड है स्कॉरेज ब्रिंजर, थर्ड है सैंट्रोस 2 और फोर्थ है मोनाको व्हाट्स योर इज माइन। तो ये चारों भी गेम्स जो है वो हमें टोटली फ्री में मिल जाता है एक्सबॉक्स की गोल्ड मेंबरशिप के साथ। तो अगली न्यूज़ निकल कर आती है लास्ट ऑफ अस रीमेक गेम की तरफ से। तो नॉटी डॉग्स ने रिलीज किया है लास्ट ऑफ अस रीमेक गेम का 10 मिनट फीचर एंड गेम प्ले डीप डाइव वीडियो, जिसमें कि हमें रीमेक की डिटेल, साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ ओरिजिनल लास्ट ऑफ अस वर्सेस लास्ट ऑफ अस रीमेक और डायरेक्टर्स ने कैसे काम किया है इस रीमेक के ऊपर वो बताया गया है। तो अगर आपको फुल वीडियो देखना होगा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां पर जाकर आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और आपके क्या रिव्यूज है इस रीमेक को लेकर वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। तो अगली न्यूज निकल कर आ रही है एपिक गेम स्टोर की तरफ से। तो एज इफ आपको पता होगा कि आपको हर हफ्ते एपिक गेम स्टोर के ऊपर फ्री में गेम्स देखने को मिल जाते हैं, तो दिस वीक हमें कुक सर्व एंड डिलीशियस 3 टोटली फ्री में मिल जाता है अंटिल अगस्त 18 तक। तो अगर आपने इस गेम को ग्रैब नहीं किया होगा तो आप फ्री में जाकर इस गेम को ग्रैब कर सकते हो। तो अगली रोज निकल कर आ रही है फीफा 23 गेम की तरफ से। तो ईए स्पोर्ट्स ने फाइनली अनाउंस किया है फीफा 23 गेम और साथ ही साथ गेम के पीसी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी रिवील कर दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और साथ ही साथ गेम प्ले वीडियो भी शेयर किया है जो कि मेनली फोकस करा है करियर मोड पर। और फीफा 23 गेम रिलीज होगा ऑन सेप्टेम्बर 30th 2022 को। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस गेम को लेकर वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है असैसिन्स क्रीड वैलहला गेम की तरफ से। तो असैसिन्स क्रीड वैलहला गेम के अंदर एक अपडेट आया है जो कि है अपडेट 1.6.0 और अपडेट की साइज हमें 23GB की देखने को मिलती है। तो अपडेट में एक न्यू फ्री गेम मोड इंट्रोड्यूस हुआ है बाय द नेम फॉरगेटन सेगा और साथ ही साथ अदर बग्स एंड ग्लिचेस को भी फिक्स कर दिया गया है। तो अगर आपको फुल पैच नोट्स पढ़ने होंगे तो गेम के ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप असैसिन्स क्रीड वैलहला गेम खेलते होगे तो आप अपडेट को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो बढ़ लेते कुछ मोबाइल गेमिंग न्यूज की तरफ। तो पहले न्यूज निकल कर आ रही है वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट गेम की तरफ से। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट मोबाइल गेम जो है वो कैंसिल हो चुका है आफ्टर 3 ईयर ऑफ डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट गेम जो है वो पार्टनरशिप में बन रहा था बिटवीन ब्लिज़ार्ड एंड नेटीज, बट दोनों भी कंपनी जो है वो डिसएग्री थी ओवर फाइनेंशियल टर्म्स, सो दैट्स व्हाई गेम को कम्प्लीटली स्क्रैप कर दिया गया। तो अगली न्यूज निकल कर आ रही है कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट चैंपियनशिप 2022 की तरफ से। तो इंडिया टीम ने डोटा 2 गेम के लिए पार्टिसिपेट करा था, जिसमें कि इंडिया टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया आफ्टर बीटिंग न्यूजीलैंड टीम। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी गेमिंग न्यूज की सीरीज देखने के लिए या फिर गेमिंग रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। Nails done. Girls with the nails done.